अमिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और कल मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो खुश किस लिए हूँ वो मैं बता दूँ। खुश इसलिए हूँ कि आज मम्मी पापा आने वाली है घर। तो हाँ, काफ़ी दिनों से वो लोग ध्यान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो वो लोग आना चाह रहे थे। तो मैंने कहा अगर बस और ट्रेन से आना है तो मत आना। तो वो लोग ना गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो खुद के गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा सेफ है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑल दो उन लोगों का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लग गया है, सेकेंड डोज लगना बाकी है। और मेरी हालत देखे कुछ माइंड मत कीजिएगा, मैं भी अप्रैल में घूम रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। एक्चुअली बिहान बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ना मतलब बर्बाद कर देता है अभियान की वजह से। अगर बच्चा होता है तो ऐसा तो होता ही है, आप टाइम को फॉलो करके नहीं चल सकते। कैसे भी करके आपको मैनेज करना पड़ता है टाइम। अब मैं अभी खाना बना रही हूँ जैसे मैंने कहा। तो मैंने सोचा कि मैं नहाने के बाद मैं शूट करूँ, लेकिन क्या है ना कि मम्मी पापा पहुँच गए हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में वो लोग ऊपर आ जाएंगे। एंड यू नो, विहान को मैंने नहीं बताया कि आज नाना नानी आने वाले हैं। तो विहान को बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि कोई कभी भी अगर आता है ना तो मैं विहान को पहले ही बोल देती हूँ कि विहान ये आने वाला है, तो विहान एक्सपेक्ट करता है। तो विहान आज कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कोई भी आने नहीं वाला है। और बहुत दिनों बाद विहान अपने नाना नानी से मिलने वाला है। ओ माँ उठे गए थे, विहान सो रहा था। यस मामा, विहान सो रहा था और मेरी बातें सुन के शायद वो उठ गया। मामा से हाय। हाय। तो विहान उठ गया और जैसा मैंने कहा कि बहुत दिन बाद विहान मिलने वाला है ना, तो मैं विहान का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि क्या रिएक्ट करता है। वो पहचान तो लेगा ऑफ कोर्स, दो महीने बाद आई थिंक मिल रहा है विहान, तो पहचान तो लेगा ऑफ कोर्स, लेकिन रिएक्शन क्या देता है वो ही मुझे देखनी है। विहान बॉटल लेके पानी भी पी रहा है। और हाँ, मेरी इतनी हड़बड़ी देख के हस्बैंड आ गए मुझे हेल्प करने के लिए। नहीं आचे तो जॉय, आचे तो नहीं नहीं आचे आचे। ओके आ गए, कौन आए? बोले बोले अच्छे मामा की क्या अच्छे लौट जब ये कच्चे नो तुम ये तो की ता देखो ये तो की লজ্জা পাচ্ছ কেন? এসো এসো, সবাইকে দেখো, বলে এসো ঘরে, এসো ঘরে, এসো ঘরে, এসো। এটা তোমার বুম বুম, তো তোমার জন্য এনেছে। তো এরে মম্মি বিয়ান কো কে মিলা? ওয়াও কিতনা আচ্ছা খিলোনা, কে দিলো কে দিলো? টিটরি বলো নো নো কাও বল কাও কাও দাদু কই কাও নে বাই রে। और ये है नींबू पानी, मैंने बनाया है नींबू के शरबत।
इतना टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए तो दाल बना है मैंने, तुअर दाल बनाई है। तुअर दाल के साथ ये पुदीने की चटनी बनी है, इसमें अभी नमक नमक एंड शुगर ये सब ऐड करनी है। और फिर यहाँ पे दिखाओ, ये बनी है टेंगड़ा मछली प्रिपरेशन, तो फिश प्रिपरेशन बनी है एक, और मैं बना रही हूँ अभी मूंगी फोंडो। बस ये अगर मैं बनाऊँगी ना तो हो जाएगा, यही आज का लास्ट है खाना, ज़्यादा कुछ काम था मैंने नहीं किया, सिंपल था। कौन खिला रहा है आपको, के खावाच्छे तुम्हाके, के खावाच्छे बोलो दिदुन। हाँ, धोके आ गई हूँ फ्रेश होके, और मैं जब पूजा कर रही थी ना तब मम्मी ने पापा को खाना खिला दिया है, और हमारा जो ड्राइवर है वो चले गए हैं, वो बस से जाएंगे घर वापस, और गाड़ी हमारे साथ यहीं पे रुकेगी। और अभी मम्मी, मैं और शेखत हम तीनों मिलके करेंगे लंच। हो गया है बयान को, जूस पिलाना भी खत्म हो गया है, इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है। और बहुत लोग पूछते हो कि सेम बॉटल में ही क्यों देते हो, तो अगर मैं यही वाला सेम बॉटल मैं देती हूँ ना बयान को तो ही बयान पीता है। और मम्मी पापा बहुत कुछ लेके आए हैं घर से, तो मैं वो सब धीरे धीरे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है पुदीने के पौधा, तो ये लेके आए हैं मम्मी मेरे लिए, क्योंकि ये सब तो बचेगा नहीं आई थिंक। व्यान, क्या करते हो व्यान, डोंट डू दैट बाबू, ये तो मैं नूतन फ्रेंड, तो हाई बोलते हो अभी तो, ओके नूतन फ्रेंड तो। सो पुदीने के पौधा लेके आए हैं मम्मी, बिकॉज मेरे पास जो वहाँ पे है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो बाकी दो पुदीने के पौधा है ना वो तो ऑलमोस्ट डेड है, तो इसलिए मम्मी लेके आई है ये। हाँ, तो अभी देखते हैं कि ये अच्छे से ग्रो करता है या नहीं, और इसकी हालत भी कुछ खास तो नहीं है, और ये जितने भी पत्ते हैं ना वो विहान ने पत्ते तोड़े हैं इसका, ये और ये है व्यान।
आज ना भयंकर वाला गर्मी पड़ी है, भयंकर। और मम्मी पापा जी आए हैं यहाँ पे, तो वो लोग बोल रहे हैं यार कोलकाता जैसा गर्मी लग रही है यहाँ पे। लेकिन क्या कर सकते हैं, आज इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो मैं अभी शाम हो गई है जी हाँ, तो मैं अभी आई हूँ उन लोगों के लिए चाय वगैरह बनाने। और पता है आज वीडियो नहीं जाएगा, तो संडे को मैंने लिया था छुट्टी, ठीक है आप लोग ध्यान रखना संडे को मेरी छुट्टी है। एंड मैं मंडे से सैटरडे तक मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आज मुझसे मिस हो गया मेरी शेड्यूल, बिकॉज ना कल मुझसे एडिटिंग नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि आज एडिटिंग करूँगी। तो सुबह से तो हो ही नहीं पाया, सुबह मैं थोड़ी सी लेट उठी, मतलब जनरली मैं थोड़ी सी जल्दी उठती हूँ लेकिन आज लेट उठी। और लंच करने के बाद मैंने सोचा कि अभी एडिट कर दूँ, लेकिन और तब विहान को मम्मा चाहिए और मैं विहान को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई, और जब तक उठा तब तक शाम हो चुका है, तो आज नहीं गया। मैं अभी से एडिट करूँगी ताकि कल टाइम तक चला जाए। तो सारे लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं टीवी, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मम्मी पापा क्या क्या लेके आए हैं। ढेर सारे चीज़ें लेके आए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो इतने सारे बनाना लेके आए हैं ये, और फिर ग्रेप्स, तो ये सब कुछ विहान के लिए है फ्रूट्स। फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये एक बहुत बड़ी पन्नी चावल के लेके आए हैं, पता नहीं क्यों। एक्चुअली पापा कह रहे थे कि ये जो चावल है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए पापा मेरे लिए लेके आए हैं मेरे लिए। और फिर ये आलू, छोटा छोटा गोल गोल आलू जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये आलू। और फिर क्यूकम्बर, नींबू, ये सब लेके आए हैं। पता है मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे घर से ना सब्जी मंडी जो है ना वो थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए मम्मी सब्जी खरीद के लेके आई है, कोई मतलब नहीं है। देखो बैंगन है यहाँ पे, फिर नीचे है डाटा, और फिर ये है लोती, कोचूर लोती, ये लेके आए हैं। फिर यहाँ पे लेके आए हैं कुछ अंडे, तो ये ना लोकल वाला अंडा है, तो ये स्पेशली विहान के लिए लेके आए हैं। मतलब अभी तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ विहान के लिए ही है ना। और हाँ ड्राई फिश लेके आए हैं वो, तो मैं ना ड्राई फिश घर में ज़्यादा लाती नहीं हूँ, बनाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मिस ज़रूर करती हूँ, तो मम्मी लेके आई है, तो काफ़ी दिनों बाद ड्राई फिश खाने वाली हूँ मैं। एक बिस्किट का पैकेट भी लेके आए हैं, फिर एक छोटा सा टॉय कार लेके आए हैं, और एक खिलौना लेके आए हैं जो व्यान खेल ही रहा है, व्यान आज इसको छोड़ ही नहीं रहा है। और ये जो खिलौना है ना, ये तो व्यान अपने हाथों से ही नहीं छोड़ रहा है ये खिलौना। और गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी खत्म करती हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।